सिख मजहब के बानी और रूहानी पेशवा बाबा गुरु नानक देव जी महाराज के 554 जन्मदिन की तकरीबात अपने आखिरी मरहल में दाखिल हो रही है। मेरा नाम राधा है और मैं दिल्ली से आई हूँ। मुझे यहाँ 25 तारीख को आए थे, अब 2 दिन हो गए हैं यहाँ, पूरा देखा और यहाँ का स्वागत भी बड़ा अच्छा लगा। पंजाब तो आ रही है, बड़ी खुशी हुई उन्होंने। सिख मजहब के बानी और रूहानी पेशवा बाबा गुरु नानक देव जी महाराज के 554 जन्मदिन की तकरीबात अपने आखिरी मरहल में दाखिल हो रही है, जिसमें भारत समेत दुनिया भर से और अंदरूनी पाकिस्तान से हजारों सिख यात्री शरीक हैं। गुरुद्वारा जन्म स्थान से नगर कीर्तन का जुलूस निकाला गया, जो ननकाना साहब में मौजूद सातों गुरुद्वारों से होता हुआ वापस जन्म स्थान पहुंचकर अख्ताम पजीर हो गया। सिख यात्रियों ने सातों गुरुद्वारों की यात्रा के लिए यात्रा के साथ अपनी मजहबी रसूमात भी अदा की। जुलूस के लिए रेड कारपेट बिछाया गया। अगर बात की जाए स्कॉट की, तो स्कॉट के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। 3 रोजा तकरीबात आज रात भोग की रस्म के साथ अख्ताम पजीर होगी। मेरा नाम राधा है और मैं दिल्ली से आई हूँ। मुझे यहाँ 25 तारीख को आए थे, अब 2 दिन हो गए हैं यहाँ, पूरा देखा और यहाँ का स्वागत भी बड़ा अच्छा लगा। लोगों ने बहुत प्रेम से स्वागत किया, जैसे अफवाह फैला रखी है उस तरह के लोग नहीं है यहाँ, सब प्यार से रहने वाले लोग भी हैं, बहुत तरह के लोग होते हैं, लेकिन यहाँ मैंने देखा आवाम में खुशहाली है और लोग बड़े प्रेम से रह रहे हैं। मतलब अभी तक तो मैं गुरुद्वारे के अंदर ही हूँ, अब मैं जाना चाह रही हूँ डोली के साथ, अब देखते हैं वहाँ क्या माहौल है। और लोगों, ये जो पवित्र स्थल है बहुत अच्छा है, स्थल देखने लायक है, यहाँ शांति है। इस स्थल में रहकर मैंने अपने आप को सुकून महसूस करा कि बहुत सुकून मिला है मन को, और मैं बच्चों को भी चाहूंगी कि वो एक बार यहाँ घूमने आए, मेरे बच्चे भी। तो इस मुल्क से बस एक ही है कि सब कुछ देते हैं, लेकिन लोग गरीबी को हटाने के लिए रोजगार जरूर दें उनको, क्योंकि मैंने जो लोगों से पूछताछ करी अपने तौर पर, वो बताते हैं हमें इंडिया आना है। अब इंडिया हर एक किसी को तो शरण नहीं दे सकती, लेकिन अपने मुल्क में लोगों को गरीबी हटाने के लिए उनको प्रोत्साहन करें कि वही मेहनत करें, लेकिन मेहनत का उसे कोई ना कोई तो फल देना चाहिए ना बंदों को। अब यहाँ पे बंदे गरीबी है, गरीबी से अपना जीवन यापन कर रहे हैं, उस गरीबी को हटाने के लिए कुछ तो सरकार को सोचना चाहिए। यहाँ की सरकार, यहाँ आवाम जो जनता है, वो थोड़ी सी परेशान हालत में है। और हमारे यहाँ इंडिया में क्या मेहनत का फल मिलता है, यहाँ उसी बात को मैं कहना चाहती हूँ। छोटी सी बात है कि जो गरीबी है, गरीबी को हटाने के लिए बंदों को प्रोत्साहन करो, उनको कुछ खाने को दो, उनको मेहनत का हर्जाना दो। अब भूखमरी क्या होती है जहाँ मेहनत का फल नहीं मिलता। चल के लगे एक स्टील है।
जिले हुकूमत की तरफ से रात को आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा किया जाएगा। संतान इलाही गुरु द्वारा निकाल कर वाहे गुरु का खालसा वाहे गुरु जी।